बिहार में कैमूर जिले के रहने वाले शिक्षक पीयूष मोहन ने लॉकडाउन के खाली समय में सही इस्तेमाल करते हुए रामचरितमानस को भोजपुरी में लिख डाला। उनका कहना है कि रामचरितमानस को भोजपुरी में लिखने का मकसद है कि रामचरितमानस को आसानी से और सरल तरीके से लोग पढ़ सकें। इसके पहले भी उनके दो उपन्यास छप चुके हैं। इस संबंध में ग्रामीणों से बातचीत की गई तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। जी सर, ये कैमूर जिला के अंतर्गत दुर्गावती प्रखंड के अंतर्गत करनासा ग्राम है, जहाँ पर कि हमारे सर हैं पीयूष मोहन जी। अक्सर हम लोग यहाँ पर आते हैं तो शुरू से इनके मन में एक चीज़ थी कि जिस तरह से रामायण बंगाली भाषाओं में है या अन्य भाषाओं में है, तो एक भोजपुरी भाषा में भी हो। और इस चीज़ को उन्होंने अपने पूरा किया लॉकडाउन में। इनको पर्याप्त समय मिला, शिक्षण से थोड़ा आराम मिला और उसमें जो है कि इन्होंने इसकी रचना की। अक्सर चूंकि मैं ब्राह्मण हूँ तो लगाव इनसे अधिक हमारा रहा और हम हमेशा इनके यहाँ आते रहे। दरअसल शिक्षक पीयूष मोहन कैमूर जिले के दुर्गावती प्रखंड के कर्मनाशा के रहने वाले हैं। वहीं शिक्षक पीयूष मोहन का कहना है कि जब लॉकडाउन लगा तो पूरी तरह खाली बैठे थे, तभी उन्होंने इसकी सोचा क्यों ना रामचरितमानस को भोजपुरी में लिखा जाए, क्योंकि रामचरितमानस जिस अवधि भाषा में लिखी गई है उस भाषा को समझना सभी के लिए संभव नहीं है। देखा, आप जब भी सुबह टीवी खोलें, पेपर पढ़ें, हर जगह बस गलत ही रेप क्या क्या बहुत तरह के मतलब अनाचार बढ़ते जा रहे हैं। दूसरा चीज था भोजपुरी को लेके लोगों के मन में एक छवि बन गई है कि भोजपुरी में सिर्फ गंदे चीज़ ही लिखे जाते हैं। फुहड़ गीत वालों ने तो और इसको ख़राब बना के रखा है। आप देखेंगे कि बहुत सारे क्षेत्रीय भाषा हैं जिनमें बहुत सारे चीज़ों को अवार्ड मिलता है, लेकिन भोजपुरी को लेके इन सब चीज़ों पे लोग ध्यान ही नहीं दे पाते। तो हमें लगा कि हमें अपनी ही भाषा में अगर समाज के लिए कुछ करना है तो सबसे बढ़िया चरित्र हमें श्री राम जी का नज़र आया, तो हमें लगा कि क्यों ना उसे अपनी भाषा में ही दें, क्योंकि अवधि भाषा में तो तुलसीदास जी ने लिखा है वो सबको समझ में नहीं आता, लेकिन अगर हम सरल भाषा में इन चीज़ों को लोगों के सामने रखें तो वो ज्यादा जागरूक। साथ ही शिक्षक पीयूष मोहन का कहना है कि भोजपुरी को बहुत ही हेय दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि कुछ फिल्म जगत के लोगों ने भोजपुरी में अश्लील गाने गाकर उसको लोगों की नजरों में गिरा दिया है। इसीलिए लोगों को भोजपुरी के प्रति मान सम्मान दिलाने के लिए उन्होंने रामचरितमानस को भोजपुरी में लिखा है।